नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसके लिए मेरे कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप थोड़ा रेड लेडी और देशी पपाया में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा डिटेल्स से समझाया मैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो इनके पेड़ से। ये रेड लेडी पपाया का जो पेड़ होता है ज़्यादा लंबा नहीं होता है और कई बार तो देखने में आया है कि ज़मीन से 2 फीट ऊंचा होने के बाद ही उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब 2 फीट आप सोच सकते हो कितना छोटा होगा। और इसके कंपैरिजन में जब हम देखते हैं देशी पपाया को तो देशी पपाया का पेड़ काफ़ी लंबा चला जाता है और लगभग 5 फीट के बाद ही इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होती है और इनके फ्रूट्स गोल होते हैं, जबकि रेड लेडी के फ्रूट्स जो होते हैं लंबे आकार के होते हैं। और रेड लेडी का कलर भी आप देख रहे हैं सामने, रेड लेडी पपाया है, ये कलर बिल्कुल रेड कलर का है, एकदम नारंगी कलर का दिखेगा। और ये देखिए, ये देशी पपाया है, इसका कलर बिल्कुल येलो है। तो दोनों के कलर में आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना है। देशी पपाया तो आप जानते होंगे दोस्तों कितना स्वादिष्ट होता है खाने में, और अगर अच्छे वैरायटी का देशी पपाया है तो इसको खाने के बाद दूसरे पपायास बिल्कुल फीके लगेंगे आपको। और जब हम इसको रेड लेडी से कंपेयर करते हैं तो रेड लेडी स्वाद में बहुत मीठा होता है और इसका स्वाद खाने के बाद आपको खरबूजे की तरह लगेगा। जैसा स्वाद खरबूजे का होता है ठीक वैसा ही स्वाद और थोड़ा थोड़ा ऑर्डर भी इसका कटने के बाद खरबूजे की तरह लगता है। दोस्तों जिस प्रकार देशी पपाया पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है वैसा रेड लेडी के साथ नहीं होता है। रेड लेडी पपाया चाहे जितना भी पक जाए वो हार्ड ही रहेगा। और आप चाहें तो रेड लेडी को पकने के बाद एक आध महीने भी रख लेंगे तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन देशी पपाया के साथ ऐसा नहीं होता है। देशी पपाया पकने के बाद ज़्यादा समय नहीं रहता है, वो अंदर से ही गलना चालू हो जाता है और रेड लेडी बिल्कुल अंदर बाहर एक जैसा रहता है, हार्ड ही रहता है वो। तो कैसा लगा दोस्तों रेड लेडी और देशी पपाया का हमारा ये कंपैरिजन, ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और अगर अच्छा लगा तो शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जिससे उन्हें भी ये सारी जानकारी मिल सके। और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहेंगे।